रुद्रपुर वार्ड नंबर 1 में लोग गंदगी से परेशान, वहीं तालाब से निकलने वाली गंदगी से मोहल्ले में मची अफरा तफरी। नालियों और सड़कों पर बहते हुए मांस को देखकर लोगों का फूटा गुस्सा, वहीं पर स्थानीय लोगों को बदबू के कारण रहना हुआ दूभर, जिस कारण उनके जीवन अस्त व्यस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कारण क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। रुद्रपुर से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों से बात करते हुए हमारे संवाददाता अर्जुन कुमार। और यहाँ पे बच्चे से निकलना मुश्किल है, बहुत बुरी तरह से गंदगी है यहाँ। बीमारी है, हाथ पैर की पकड़ आती है पानी पानी से। कब से निकल रहा है ये? हमेशा डेली की बात हो गई, डेली। कभी आपने किसी से कुछ कहा? वार्ड मेंबर है आपके, किसी से आपने शिकायत की? बताइए बताइए, कभी देखने तक नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? ये भीड़ इसलिए लगी है कि आए दिन यहाँ से गंदगी आती है, और गंदगी कई तरह से, सबसे मुख्य कारण इसका तालाब है। और जो आप देख रहे होंगे इसमें वीडियो भी आपने ले रखा है, और जिससे सारे तालाब का जो सड़ा हुआ मछली, मुर्गी का जो भी वेस्टेज है सारा उसमें आ रहा है, वो नाली में अभी भी बह रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। जिस कारण से लोग, इससे महामारी ना फैले इस कारण से लोग इकट्ठा आए हैं, और इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। शिकायत की बात की जाए, कहीं आपने की शिकायत इसके लिए? शिकायत तो जो आम पब्लिक है, पब्लिक जो लोग हैं, पार्षद वगैरह, इनसे वो तो आम लोगों से कहते हैं, तो सब देखते भी हैं, लेकिन आज तक किसी ने, किसी प्रशासन, शासन ने एक बार डीएम तक यहाँ पे आके आए थे, उसके बाद भी कुछ उन्होंने एक्शन किए होंगे, लेकिन उसमें कोई वो हुआ नहीं, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। इसके बावजूद भी अगर यहाँ से साफ सफाई नहीं हुई, उसके बाद क्या करेंगे आप सब? इसके सफाई नहीं हुई तो हम इसके लिए शासन प्रशासन को दोबारा से चेताने की कोशिश करेंगे, ताकि इसको बंद हो जाए, धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसा भी होगा ये बंद होना चाहिए। ये बीमारी से हमारे, ये बीमारी बंद होनी चाहिए, जिसके कारण से ये आगे तक पूरे नाले देखिए, वहाँ तक दिख रहा है कूड़ा, और मछली, सड़ा हुआ मछली जो मर गया है और नाली में बह रही है। बताइए इससे महामारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? आप लोग सब देख रहे हैं, सब लोग देख सकते हैं। ये नाम बता दीजिए, कहाँ? मेरा नाम, आपका घर कहाँ है? मैं यहीं का हूँ, मेरा घर पड़ोस में ही है, साथ में ही है। ठीक है।